अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक हम अभी आए हुए हैं जी बॉक्स पार्क में और इधर से गुजर रहे थे हम, तो हमने कहा आपको अभी इसका जो है ना बॉक्स पार्क है कि विज़िट करवा देते हैं, तो आप ही देखें फिर बताएं आपको कैसा लगा बॉक्स पार्क। की लोकेशन आपको बताते चलें, ये कॉर्निश रोड पर है और ओल्ड दोहा पोर्ट के करीब है, ये ओल्ड दोहा पोर्ट के साथ ही तकरीबन है। और इसमें एक और ये बात है कि ये कलरफुल और रिसाइकल्ड कंटेनर को यूज़ करके ये बॉक्स पार्क बनाया गया है। कंटेनर के अंदर बहुत सारे कैफेटेरिया टाइप बने हुए हैं, खाने पीने की जगह बनी हुई है, और जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा आप उसमें देख सकेंगे। और इसके अलावा ये बहुत ही प्यारा पार्क है, ज़बरदस्त नाइस लोकेशन है, आप आए यहाँ पे विज़िट करें। दिखाते हैं अभी पार्क, हमें यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा। और फ्रेंड ये है पूरा बॉक्स पार्क है, ये बहुत ही माशाल्लाह प्यारा पार्क है। ये बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के रंगों के कंटेनर को यूज़ करके बनाया गया है, और अभी आपको दिखाते हैं हम, अभी अंदर चलते हैं इसमें और आपको थोड़ा सा विज़िट कराते हैं इसका। माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है जी, बहुत ही प्यारे कलर हैं कंटेनर के, इसमें ब्लू भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, ग्रीन भी है, माशाल्लाह ये देख सकते हैं आप। ये माशाल्लाह बहुत प्यारी सिटिंग प्लेस से बनी हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब शाम के टाइम यहाँ पे बैठ सकते हैं क्योंकि इस टाइम तो काफी गर्मी है, और जैसा कि सबको पता होगा कि अरब कंट्रीज में एक दो माह होते हैं इस तरह के जो आप बाहर बैठ सकते हैं, अदरवाइज शाम को ही आप बैठ सकते हैं, वो भी सिर्फ तकरीबन नवंबर, दिसंबर और जनवरी के जो महीने होते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू है यहाँ पे, ये जो बोट्स वगैरह खड़ी हुई हैं, ये अभी बीच साइड से मैं आपका इसका व्यू करा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। माशाल्लाह लाइटें भी बहुत ज़बरदस्त बहुत खूबसूरत लगी हुई हैं, ज़बरदस्त है जी, मुझे तो स्पेशली बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। बस इस टाइम ये है कि थोड़ी थोड़ी धूप है, गर्मी लग रही है ज़रा थोड़ी थोड़ी, लेकिन ये है कि शाम को आए तो और भी अच्छा है। और आज ये फ्राइडे है और मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि मैं तकरीबन पिछले 12-13 साल से अरब कंट्रीज में रह रहा हूँ, तो फ्राइडे को हमेशा हमें थोड़ी ज्यादा गर्मी फील होती है। और डिफरेंट किस्म की इसमें शॉप्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एटीएम भी लगा हुआ है, अगर पैसे वगैरह आपने निकालने हैं तो वो भी निकाल सकते हैं। ये देखें जी फ्लोटिंग सुपरमार्केट आप इसको कह सकते हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है जी, अजूर अजूर सुपरमार्केट, यू कैन कॉल इट फ्लोटिंग सुपरमार्केट, बहुत ही प्यारा आइडिया है जी, ज़बरदस्त आइडिया है जी, आप देख सकते हैं फ्लोटिंग सुपरमार्केट। आप अगर शाम को यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय होगा यकीन करें। तो फ्रेंड अभी हम इसकी बैक साइड पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा पार्क है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे आके। और लेकिन ये है कि शाम को आना चाहिए, एक्चुअली फ्राइडे ऑफ होता है हमारा, तो अभी निकल आए सुबह ही, एक और जगह भी जाना था काम था, तो अभी ये रास्ते में पड़ा था, हमने कहा चलो अभी से इसको टच करते हैं, उसका छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं हम दोस्तों के लिए, तो उम्मीद है आप दोस्तों को ये व्लॉग पसंद आएगा, तो आप देखें इसको इन्जॉय करें। जो लोग दोहा में हैं तो उनको तो पता ही होगा कि यहाँ पे शाम को जाना ज़्यादातर लोग शाम को निकलते हैं घरों से क्योंकि डे टाइम में वर्किंग का टाइम होता है।
मैंने सोचा था कि ये छोटा पार्क होगा, लेकिन काफ़ी बड़ा पार्क है वो। आप देखें दूर तक आप कंटेनर नज़र आ रहे हैं दूर तक। जिस अभी जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ ना वॉकिंग वे पे, ये जहाँ पे एंड हो रहा है फिर वहाँ से लेफ्ट टर्न हो रहा है, तो वो आपको दूसरी तरफ भी कंटेनर काफ़ी नज़र आ रहे हैं। ये वहाँ तक है ये पार्क, माशाल्लाह बहुत बड़ा पार्क है ये। चला जी बहुत प्यारा ये शिप है, जबरदस्त। जैसा कि हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये वही एक तरीका है कि जिससे हम बार बार मिल सकते हैं और हमारे नए व्लॉग और वीडियोज आप तक पहुँच सकते हैं, उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकता है। तो बेल आइकन लाजमी आपने प्रेस करना है। मेरा छोटा सा शिकवा भी है कि मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर ने बेल आइकन प्रेस किया हुआ है, तो काइंडली जो जो भी वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले नए व्लॉग और वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो दुआओं में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही था, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।